हेलो एवरीवन, टुडे वी विल टॉक अबाउट द इंडियाज इंटरनेशनल अवार्ड्स। जी हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इंडिया भी इंटरनेशनल अवार्ड्स देता है, यानी कि इंटरनेशनली लीडर्स को और अच्छा काम करने वालों को, अपने फील्ड में बेटर काम करने वालों को भी इंडिया अवार्ड्स देता है, जिसके कारण ये ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट अवार्ड वी हैव इज़ द महात्मा गांधी पीस प्राइज़। महात्मा गांधी पीस प्राइज़ 1995 में इंस्टीट्यूट किया गया था ये अवार्ड, और ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से टू एनकरेज एंड प्रमोट गांधीयन वैल्यूज़ वर्ल्ड वाइड, यानी कि गांधीयन वैल्यूज़ को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। इस अवार्ड में होता है 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज, अ प्लेक एंड अ साइटेशन। फर्स्ट रेसिपिएंट जो 1995 में इसके बने थे वो थे जूलियस नायरे, और लास्ट रेसिपिएंट जो 2018 में ये अवार्ड दिया गया महात्मा गांधी पीस प्राइज वो थे योही शाशाकावा। यानी कि ये अवार्ड दिया जाता है ग्लोबली गांधीयन वैल्यूज़ को, नॉन वायलेंस जो पॉलिसीज़ थी गांधी जी की उनको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड में। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल प्राइज है वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये अवार्ड 1986 में इंस्टीट्यूट हुआ था और अवार्डेड बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये दिया जाता है, एंड अवार्ड फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, और दिया जाता है पीस डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए। इस प्राइज में कैश अवार्ड होता है 25 लाख इंडियन रुपीज़ का एंड अ साइटेशन। इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट 1986 में बने थे वो थे पार्लियामेंटेरियंस, यानी कि पूरे पार्लियामेंट के जो MPs हैं फॉर ग्लोबल एक्शन। एंड लास्ट रेसिपिएंट जो 2018 में बने थे वो थे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इंडिया, यानी कि ये पूरी एक संस्था थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था इंदिरा गांधी पीस प्राइज। नेक्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल अवार्ड है वो है जवाहरलाल नेहरू अवार्ड। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट हुआ था 1965 में, और ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग गुडविल एंड फ्रेंडशिप। द मनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस अवार्ड इज़ 25 लाख इंडियन रुपीज़, यानी कि 25 लाख इंडियन रुपीज़ इसमें दिया जाता है, और ये किसी को भी मिल सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये इंटरनेशनल प्राइज की बात कर रहे हैं हम, और इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट 1965 में बने थे वो थे यूथांट। यूथांट कौन थे? यूथांट UN के थर्ड UN सेक्रेटरी जनरल थे, थर्ड UN सेक्रेटरी जनरल, और जो इसके पहले रेसिपिएंट बने थे। लास्ट रेसिपिएंट जो इसके बने थे 2009 में वो थे एंजेला मार्कल, जो जर्मनीज फर्स्ट फीमेल चांसलर थी क्या हैं अभी तक। तो ये थे इंडिया के जो इंटरनेशनल स्टेज पर जो अवार्ड दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट वर्क्स फॉर द वर्ल्ड एंड इन सोशल सर्विसेज। होप में आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।